सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। कांग्रेस समेत 7 दलों ने राज्यसभा के सभापति को प्रस्ताव सौंपा। प्रस्ताव पर 64 सांसदों के दस्तखत। महाभियोग प्रस्ताव में विपक्षी पार्टियों ने सीजेआई पर 5 आरोप लगाए। गो न्यूज़ के पास प्रस्ताव की कॉपी। गुजरात के नरोदा पाटिया मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बीजेपी की पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत 17 को बरी किया। बाबू बजरंगी की उम्र कैद थी, सजा घटाई। ममता बनर्जी को बड़ा झटका। पंचायत चुनाव को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से फिर से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने को कहा। आईएमएफ चीफ क्रिस्टीन लेगार्ड ने कठुआ और उन्नाव मामलों को घिनौना बताया। भारत को कहा प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की सुरक्षा पर और ध्यान दें। पॉक्सो एक्ट में संशोधन की तैयारी। 12 साल तक की बच्चियों से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। चारा घोटाले पर लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं। 4 मई को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका। केंद्र सरकार को मुंबई में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया। और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर का 94 साल की उम्र में निधन। पिछले 15 दिन से अस्पताल में थे भर्ती।